राजधानी पटना में मोबाइल टावर चुराने का दूसरा मामला सामने आया है और मोबाइल टावर चोरी का यह हैरान कर देने वाला मामला पीरबहुर थाना क्षेत्र के सब्जी बाग इलाके के कॉफी हाउस गली के कयाम कॉटेज का है, जहां एक घर की छत पर लगे मोबाइल टावर की चोरी कर ली गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह मोबाइल टावर पिछले कई सालों से लगा था और एयरसेल कंपनी का था, लेकिन जब एयरसेल कंपनी बंद हो गई तो इसे GTL कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था और अब यही टावर चोरी होने की लिखित शिकायत GTL कंपनी ने पीरबहुर थाने में दर्ज करवाई है। वहीं घर के मकान मालिक ने बताया कि यह टावर एयरसेल कंपनी का लगा हुआ था, लेकिन यह कंपनी बंद हो गई और घर में लगे टावर को कंपनी का मेंटेनेंस के नाम पर बताकर धीरे धीरे टावर का सारा सामान ले गए और खुद जनरेटर और गार्ड भी हटा लिया, जबकि टावर का बकाया पैसा भी बाकी था फिर भी छोड़ दिए। मेरे घर पर लगे टावर वाला छत भी डैमेज हो रहा था। वहीं GTL कंपनी के मैनेजर मोहम्मद शाहनवाज अनवर ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में लिखित FIR दर्ज कर पीरबहुर थाने में दर्ज करवाई है और मामला दर्ज होते ही पुलिस की टीम इस पूरे मामले की अनुसंधान में जुट गई है। पर टावर चोरी का मामला आया है सामने, क्या मामला है? देखिए, ये कोई टावर चोरी का मामला नहीं है। बहुत सालों से हमारे यहाँ एयरसेल का टावर लगा हुआ था और बीच में आपको पता भी है कि एयरसेल शायद बंद हो गया था। उसके बंद होने के बाद कई सालों तक हमारे को टावर का जो रेंट आता था वो भी बंद हो गया बहुत सालों तक। उसके बाद हम लोगों ने जो भी उनके अधिकारी आते थे, क्योंकि नाम तो नहीं पता कभी कौन आ रहे हैं कभी कौन आ रहे हैं, सुबह शाम आते रहते, तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि भाई पेमेंट का क्या मामला है। हाँ, हो जाएगा करते करते 3-4 सालों से हम लोग को एक भी कोई पेमेंट नहीं आया। उसके बाद हम लोग खुद बहुत आहत हो गए, तो हम अपने छत को सुरक्षित रखने के लिए ही हम लोग सोचा कि भाई कम से कम यही अपना टावर खोल के ले जाए, क्योंकि मेरा छत भी डैमेज हो रहा था। और उसके बाद हमेशा उनके अधिकारी कोई भी या कोई भी मेंटेनेंस वाला आता था, अब वो क्या खोल के ले जा रहा है नहीं ले जा रहा है ये हमें नहीं पता। और क्योंकि हम लोग घर के अंदर रहते थे, बोल के भी नहीं आते थे, सीधा ऊपर चढ़े अपना क्या किए नहीं किए। टावर खुला तो आपसे संपर्क किया गया? हम लोग से कोई संपर्क नहीं, कभी कदार अगर मेरे रूम का दरवाजा खुला रहा तो हम देखा कि भाई ये कौन आदमी जिसको हम नहीं जानते हैं। लबलुबाब यही है कि मेंटेनेंस के नाम पर धीरे धीरे। हाँ, एक आखिरी बार हम जो बता रहे हैं आपको, जब मेरा रूम का दरवाजा खुला हुआ था तो हम देखा एक आदमी, हम पूछे आप कहाँ कौन है कहाँ जा रहे हैं, तो हम टावर मेंटेनेंस से है। हम बोला अच्छा ठीक है, जब टावर मेंटेनेंस से जाइए, क्योंकि आज दरवाज़ा खुला था तो हमने उनको आज देख लिया। अब मेरा हमेशा दरवाज़ा, क्योंकि घर में लेडीज़ हम लोग मर्द लोग बाहर चले जाते हैं काम से तो दरवाज़ा बंद ही रहता है, तो उस बीच में भी कितनी बार आते हैं वो अपना क्या ज़रूरत खोल के ले गए नहीं ले गए ये तो हमको पता भी नहीं। हम तो अब ये चाह रहे थे, क्योंकि हम इतना आहत हो चुके थे कि 4-5 साल से किराया नहीं, कोई ठीक से बात नहीं करने आता, जब कोई मिल जाए बस मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, अपना जनरेटर गार्ड वो खुद हटाए, कई सालों से गार्ड नहीं है, तो हम तो आहत हो के ये सोचने लगे कि भाई चलो पैसा हमको मिले ना मिले, हमको पैसा चाहिए भी नहीं, कम से कम अपना सामान ले जाओ यार, कि मेरा छत जो डैमेज हो रहा है जो चूरा है कम से कम अपना छत बचा ले। मेरा मनवर हुआ चोरी का आप लोग देख रहे हैं? देखिए, इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोग के मेंटेनेंस के नाम पे लोग आते थे, अब वो अपना क्या किए क्या खोले, क्योंकि देखिए हम लोग मर्द सुबह निकलते हैं रात में आते हैं। GTL कंपनी ने मामला दर्ज करवाया है, एयरसेल का था वो, दोनों में आपसे कैसे? GTL कंपनी के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मेरा टावर एयरसेल का था तो एयरसेल कंपनी तो बहुत साल पहले बंद। कितनी बार हम लोगों ने उनसे कोशिश की बात करने की कि आके बात कीजिए क्या मामला है क्या नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं, इस मैटर पर कोई बात करने को तैयार नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर कोई ना कोई उनके 2-4 आदमी आते थे, कभी वो खोल के ले जा रहे हैं, हम पूछे क्या काम भैया, तो इसको मेंटेनेंस के लिए ले जा रहे हैं, इसको सही करवाना है मेंटेनेंस के नाम पर चोरी। हाँ, मेंटेनेंस के। अब देखिए, अब उनका उन्हीं के घर का आदमी आ रहा, हम तो चाह रहे थे कि अच्छा भाई मेंटेन हो जाए कम से कम मेरा छत साफ सुथरा रहे, तो इसलिए हम भी नहीं बोलते थे। अब वो मेंटेनेंस के नाम पे कभी ये ले जा रहे कभी वो ले जा रहे हैं, तो हम पूछते थे कि क्या हो रहा है, तो भैया हम मेंटेन करना है इसको, इसमें ये खराबी। बोले चलो भैया ठीक है, तो हमने आहत होकर उनसे कहा कि भैया आप मेरा छत खाली कर दो भैया, हम आपसे एक पैसा नहीं। क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, शिकायत GTL वालों ने की है। GTL वालों का कहना है कि एयरसेल कंपनी का टावर पहले इंस्टॉल्ड था और इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जहां सूचीबद्ध जो टावर्स था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को इन लोगों ने टेक ओवर किया है। टेक ओवर करने के पहले इन लोगों को वेरिफिकेशन करना चाहिए था, पता नहीं इन लोगों ने वेरीफाई किया नहीं किया, पता हमें नहीं पता। लेकिन किराएदार के रूप में जहाँ ये थे, मकान मालिक ने एयरसेल वालों की टीम को पहले आग्रह किया था कि आपने मेरा पिछले 5 साल से किराया नहीं दिया है, तो किराया आप दीजिए या न दीजिए लेकिन मेरा छत खाली कर दीजिए। उसी आग्रह के क्रम में और उसके उपरांत उस टीम ने एक चरण में कुछ सामान हटाया था जिसमें जनरेटर वगैरह था, तो उन लोगों का ये कहना है GTL वालों का कि नहीं, जनरेटर वगैरह हटाए जाने के पश्चात
उन लोगों के वो कस्टडी में है, परंतु दूसरे चरण में जब टावर हटाया गया तो उनका कहना है कि दूसरे चरण का जो टावर हटा है वो इन लोगों की टीम के द्वारा नहीं हटाया गया है। मामला कन्फ्यूज़न का है, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो टावर उठा कर कौन ले गए हैं। GTL वाले लोगों का कहना है कि वो चोरी हुआ है, परंतु एयरसेल वाले लोग जो एक क्रम में लेके गए थे वो वही लोग हैं या दूसरे लोग हैं, ये अभी अनुसंधान का विषय है, इसलिए इसको अभी कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। तल्ले पर टावर ये लगा था, घर के छत पे था तल्ला, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। तो सर टावर लगा था, कुछ टावर काफ़ी पहले का था, वर्ष 2017 में एयरसेल कंपनी जो है रैपअप करके चली गई। जिनके घर में टावर लगा था उनको जानकारी नहीं हुई जब ये टावर खोला गया? नहीं, वो जिस आदमी कंपनी डायरेक्ट तो आती नहीं है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो अमित कुमार नाम का बंदा था, उस रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने कंसल्ट किया था, बुला के बताया कि पैसा आप लोग दे नहीं रहे हैं तो अपना आप पैसा आप वो गिवअप करने के लिए तैयार हो गए, कम से कम उनका छत को खाली करने का आग्रह कर रहे थे। उसी क्रम में सामान हटना शुरू हुआ था और टावर भी हटा था। पहले चरण का सामान GTL वालों का कहना है कि उन लोगों के पास है, परंतु दूसरे क्रम में जो टावर हटा है वो उन लोगों के पास नहीं है। शिकायत दी गई है, मामला दर्ज किया गया है, परंतु अभी कुछ भी कहना वक्त से पहले कहना। किस चीज़ का मामला दर्ज किया गया है? टावर चोरी का मामला है।